नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। दिल्ली कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया पिछले 1.5 साल से जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद मनीष सिसोदिया को एक बार भी जेल से जमानत मिलती हुई नजर नहीं आई। हालांकि मनीष सिसोदिया ने कई बार प्रयास किया। मनीष सिसोदिया ने ये तक कहा कि वो कोर्ट की सभी शर्तों को मानने के लिए मंजूर है, लेकिन उन्हें एक बार जमानत मिल जाए। लेकिन कभी भी मनीष सिसोदिया के पक्ष में फैसला आता हुआ नहीं दिखाई दिया। अब ऐसे में मनीष सिसोदिया को लेकर ये चर्चा है कि क्या अब मनीष सिसोदिया का समय आ चुका है कि वो जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि सीबीआई के पास कोई बड़े सबूत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सीबीआई का एक बड़ा झूठ पकड़ा गया। दरअसल सीबीआई ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने सब बातें कबूल ली है, कि भाई अरविंद केजरीवाल इस मामले में निर्दोष है और मनीष सिसोदिया ने ये पूरा घोटाला किया है। लेकिन तभी तुरंत राव जुवेन्यू कोर्ट ने इस बात को क्लियर करा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं भी निर्दोष हूं और मेरे साथ ही मनीष सिसोदिया भी निर्दोष है। ऐसे में दिल्ली कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी तो एक तरफ फंसी गई है, लेकिन दूसरी तरफ लगता है कि सीबीआई भी फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में देखिए मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अरविंद केजरीवाल भी अब सीबीआई की हिरासत में, अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के सीएम है मौजूदा। ऐसे में आप बड़े चेहरों को गिरफ्तार कर लेते हैं बिना सबूतों के। मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी देखिए जमानत मिल चुकी है, और हेमंत सोरेन की जमानत के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है कि अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। मैं आपको बता दूं, अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाई बिना मनीष सिसोदिया के आम आदमी पार्टी क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाएगी, क्योंकि अगर दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की बनी उसमें मनीष सिसोदिया का बेहद योगदान रहा। मैं आपको बता दूं, मनीष सिसोदिया के बिना पहली बार ऐसा होगा जब आम आदमी पार्टी दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई अक्टूबर नवंबर से पहले पहले मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते दिखाई दे और यहां बड़ा झटका सीबीआई और ईडी को लगता दिखाई दे। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।